तो ट्रेडर यहाँ पे जो है मैंने पुट साइड का एक पोजीशन बनाया, आप लोग स्क्रीन के अंदर देख सकते हो, 43,900 का पुट मैंने यहाँ पे जो है बाई किया। क्या रीजन है वो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा, पहले इस पोजीशन को क्लोज होने देते हैं। ओके, एंड आप कमेंट करके बताना कि आप कहाँ पे पोजीशन को बनाया, क्या लॉजिक रहा आपका। ओके, आज आपने क्या प्रॉफिट किया, लॉस किया, आपका भी आप लोग कमेंट करके प्लीज बताना। ओके, तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का चार्ट है आज। ओके, एंड निफ्टी भी कुछ यहाँ पे जो है ऐसा चल रहा है, तो वेट करो देखते हैं। और आज मैं आप लोग के साथ ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप के अंदर ज्यादा चार्ज नहीं। ओके, तो हम लोग ट्रेड को क्लोज होने देते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो ट्रेडर जैसे कि आप देख ही सकते हो, इस ट्रेड के अंदर मैंने जो है लॉस बुक किया, और साइड में आप मेरा लॉस का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, 500 के आसपास मैंने यहाँ पे जो है लॉस को बुक किया। ओके, तो अभी बात करते हैं कि मैंने इस पोजीशन के अंदर लॉस को क्यों बुक किया, क्या पोजीशन, क्या रीजन था जिस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस किया, और मेरा एसएल क्यों हिट हुआ। क्योंकि देखो आप, मेरा जो लॉस हुआ है वो लॉस तो आपका नहीं हुआ, वो लॉस मेरा होगा। ओके, तो जो भी चीज आप मेरे से सीखने वालों है वो है नॉलेज। तो अभी इस वीडियो को देखो, देखने के बाद क्यों मैंने पोजीशन के बनाया और क्या मैंने गलती किया वो आप लोग सीखो, क्योंकि बिना गलती के मार्केट के अंदर लॉस नहीं होगा। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले मैंने पोजीशन को क्यों बनाया। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट के अंदर जो है काफी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ, एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सा रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने क्या हुआ, क्या हुआ, मेरा सबसे पहला प्लान था, अगर मार्केट यहाँ पे जो रेड कैंडल है मार्केट ने यहाँ पे बनाया, अगर इस रेड कैंडल का जो डे लो मार्केट ने ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जो है बाइंग साइड का एक ट्रेड प्लेस करूंगा। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि मार्केट के अंदर कल भी ऐसा ही हुआ था, कल भी मार्केट ने डे लो का ब्रेक डाउन किया, उसके बाद नीचे फॉल किया, उसके वही मेरा सबसे पहले प्लान था, बट मार्केट ने वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया, मार्केट ने यहाँ से बायर को एक्टिवेट करते हुए ऊपर किया। ओके, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एफआईबी ड्रॉ किया, एफआईबी यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो एफआईबी ड्रॉ किया, एंड मार्केट के अंदर यहाँ पे जो है एकदम 0.6 पे आके मार्केट ने एक रेड कैंडल फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे देखते, इस चीज को देखते हुए मैं यहाँ पे जो है एक सेलिंग साइड का पोजिशन बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि देखोगे मार्केट के अंदर नीचे अगर हम लोग बात करें तो नीचे यहाँ पे कोई खास स्टॉप लॉसेस तो नहीं था, बट हाँ नीचे एक जो लेवल था, एक 43,500 का साइकोलॉजिकल लेवल था जिसको हंट करने के लिए मार्केट जो है जा सकता था, बट ऊपर कोई डायरेक्ट ऐसा ऐसे अवेलेबल नहीं था जिसको मार्केट टारगेट कर सकते हैं। अगर है भी तो वो बहुत ही दूर है, बट यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग साइकोलॉजिकली देखोगे तो यहाँ पे हर कोई ने बाई किया, हर कोई यहाँ पे बाई किया, सेल किसी ने नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे अगर अगर किसी ने सेल नहीं किया तो यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉसेस नहीं होगा, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे मैंने जो है पोजिशन को बनाया, और मार्केट के अंदर यहाँ पे जो भी मैं सोच रहा था, जो भी मेरा साइकोलॉजी था, जो भी मेरा माइंड सेट था, वो यहाँ पे जो है सही चल रहा था। कहाँ तक सही चल रहा था, यहाँ तक मार्केट के अंदर यहाँ पे जो सही चल रहा था। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे कब आया, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो प्रीवियस डे लो का एक रेजिस्टेंस था, और एकदम रेजिस्टेंस के पास आके मार्केट के अंदर यहाँ पे जो है मार्केट ने एम पैटर्न बना दिया। तो अगर एम पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कौन एक्टिवेट होगा, यहाँ पे जो है सेलर एक्टिवेट होगा। इस यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा गलती मैंने यहाँ पे किया कि यहाँ पे मैं भी सेलिंग कर रहा हूँ कि कोई कोई और रीजन की वजह से, पर यहाँ पे रिटेल ट्रेडर भी यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट का फॉर्मेशन मार्केट के अंदर हुआ है, एंड साथ साथ यहाँ पे जो एक साइकोलॉजिकल नंबर नहीं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे दो चीजों को देखते हुए यहाँ पे रिटेल ट्रेडर यहाँ पे जो सेलिंग साइड का पोजिशन बनाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, नॉट नीचे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस किया सही चल रहा था, अगर मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न नहीं क्रिएट करता तो मार्केट ऊपर जो है मार्केट को नीचे आना ही पड़ता, बट यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे जो एम पैटर्न बना दिया, तो यहाँ पे मेरे को अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए था, एंड यहाँ पे जो एक कॉल साइड का पोजीशन बनाना चाहिए था, बट मैंने ये ऐसा नहीं किया, मैंने यहाँ पे जो होल्ड करता रहा, बट और मार्केट ने जो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ओके, तो यही मेरा गलती है, तो इस गलती को सुधारना पड़ेगा, इस गलती पे काम करना पड़ेगा, और इस तरीके से मैंने जो पोजीशन को अच्छे से मैनेज नहीं किया, दिस इज द सबसे बड़ा गलती। ओके, तो इस चीज के ऊपर मेरे को काम करना पड़ेगा, और आप लोग भी यहाँ पे सीख लो कि यहाँ पे अगर कोई भी, अगर मेन चीज यहाँ पे क्या है, अगर आप भी यहाँ पे बाय कर रहे हो एंड कोई रिटेल ट्रेडर भी यहाँ पे बाय कर रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि आप जो कर रहे हो रिटेल ट्रेडर को वो नहीं करना चाहिए, अदरवाइज मार्केट आपको ट्रैप कर देगा। ओके,
तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर भी सेल किया, मैंने भी सेल किया, मार्केट ऊपर चला गया। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके से आज हम लोगों ने मार्केट के अंदर काम किया, और जो लॉस भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है 1:2 का, यानी कि 500 का लॉस और 1000 का प्रॉफिट, ठीक उसी तरीके से हुआ। और बहुत दिन से हम लोग जो प्रॉफिट करते ही आ रहा था, तो एक दिन लॉस हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, और सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही था, तो हम लोग अभी भी प्रॉफिटेबली है। ओके बाकी आज आपने मार्केट के अंदर कैसे काम किया आप लोग जो बोल सकते हो कमेंट करके। ओके तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।